आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑन इकोसिस्टम। कंट्रोल ऑन इकोसिस्टम ये क्या बताना चाह रहा है कि नेचर में हर एक चीज़ अपनी बैलेंस फॉर्म में होना ज़रूरी होती है। किसी भी चीज़ की एक्सेस अमाउंट या किसी भी चीज़ की डेफिशिएंट अमाउंट अपनी नेचर को, अपनी इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करती है। मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमारी एनवायरनमेंट में प्रोड्यूसर्स हैं तो उसी अकॉर्डिंग, उसी बैलेंस फॉर्म में कंज्यूमर्स भी होने चाहिए। ठीक है, जिस अमाउंट में प्रे हैं उसी अमाउंट में प्रेडिटर्स भी होना ज़रूरी है। हर एक चीज़ की बैलेंस फॉर्म होनी ज़रूरी है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग कंट्रोल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स के कंट्रोल पाए जाते हैं अपने इकोसिस्टम में। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? टॉप डाउन कंट्रोल। सेकंड पार्ट कौन सा है? बॉटम अप कंट्रोल। और थर्ड है हमारा वास्प वेस्ट कंट्रोल। पहला कंट्रोल क्या कहना चाह रहा है? टॉप डाउन कंट्रोल, मतलब कि कोई टॉप पे स्पीशीज़ है जो अपने से लोअर ट्रॉफिक लेवल की स्पीशीज़ को कंट्रोल करेगी। टॉप पे कोई है हेड, वो पूरा नीचे तक ऑर्गेनाइज करेगा कि किसकी पॉपुलेशन किस अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देखते हैं क्या करना चाह रहा है। अपर ट्रॉपिक लेवल कंट्रोल इट्स लोअर ट्रॉपिक लेवल। इसको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे ये है ट्रॉपिक लेवल 1, हम मान लेते हैं ये है ट्रॉपिक लेवल 2, ये वाला है ट्रॉपिक लेवल 3 और ये वाला है ट्रॉपिक लेवल 4। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट को हम बोल देते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स में माइनली क्या आता है? प्लांट्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं हर्बीवोर्स। ट्रॉपिक लेवल 2 में हम लिख देते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स पे कौन फीड करता है? कार्निवोर्स। तो ट्रॉपिक लेवल 3 में हम लिख देते हैं कार्निवोर, और ट्रॉपिक लेवल 4 में हम लिखते हैं टॉप कंज्यूमर्स। इस लाइन के अकॉर्डिंग ये क्या कहना चाह रहा है कि अपर ट्रॉपिक लेवल जो है, अपने से लोअर ट्रॉपिक लेवल की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे ट्रॉपिक लेवल 4 है वो अपने से लोअर ट्रॉपिक लेवल 3 की पॉपुलेशन को रेगुलेट करेगा। कैसे? अगर टॉप कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली कार्निवोर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि टॉप कंज्यूमर्स हाईली अमाउंट में कार्निवोर्स पे फीड करेंगे। ठीक है, एक ज़्यादा हुआ, ट्रॉपिक लेवल ज़्यादा हुआ 4, तो ट्रॉपिक लेवल 3 पे क्या असर पड़ा? कि वो उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। ठीक है, अब ट्रॉपिक लेवल 3 है, इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा ट्रॉपिक लेवल 2 पे। अब ये कैसे पड़ेगा? अगर कार्निवोर्स की पॉपुलेशन कम हो गई तो ऑटोमेटिकली हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कार्निवोर्स कम होंगे तो वो ज़्यादा अमाउंट में फीड नहीं कर पाएंगे हर्बीवोर्स पे, तो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। अब ट्रॉपिक लेवल 2 अपने से लोअर ट्रॉपिक लेवल 1 पर कंट्रोल करेगा। अब इसमें क्या बताएगा कि हर्बीवोर्स अगर ज़्यादा हो गए, हाई अमाउंट में हर्बीवोर्स हो गए, तो वो हाईली अमाउंट में प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करना चालू कर देंगे। इससे डायरेक्टली क्या इफ़ेक्ट करेगा? प्रोड्यूसर्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि हर्बीवोर्स ज़्यादा है। मतलब कि टॉप पे बैठा हुआ आदमी अपने से लो को कंट्रोल करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? टॉप प्रेडेटर्स कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इकोसिस्टम। मतलब जो टॉप पर जो प्रेडेटर है वो कंट्रोल करेगा पूरे इकोसिस्टम की पॉपुलेशन को। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू अपने इसे अच्छे से और समझ लेते हैं। कैल्प फॉरेस्ट इन इकोसिस्टम। कैल्प फॉरेस्ट एक तरह का एल्गी का फॉरेस्ट होता है, एक्वेटिक मीडियम में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ
पे मैं अच्छे से और इलाबोरेट कर देती हूँ। सी अर्चिन, कैल्प फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, सी ऑटर एक तरह का कार्निवोर होता है, सी अर्चिन इनवर्टिब्रेट होता है, और कैल्प फॉरेस्ट एल्गी। ठीक है, इसमें क्या है, जो सी ऑटर है वो फीड करता है सी अर्चिन पर, सी ऑटर फीड करता है सी अर्चिन पर, और सी अर्चिन फीड करती है कैल्प फॉरेस्ट पर। ठीक है, मतलब टॉप पर जो प्रीडेटर है वो अपने से लोअर की पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। ठीक है, फिर सी अर्चिन अपने से लोअर की पॉपुलेशन को रेगुलेट करेगा। अब अगर मान लीजिए मैं इस इकोसिस्टम से सी ऑटर को निकाल दूँ, हटा दिया, तो क्या होगा, सी अर्चिन कैल्प फॉरेस्ट पर फीड करेगा, सी अर्चिन कैल्प फॉरेस्ट पर फीड करेगा, और धीरे धीरे कैल्प फॉरेस्ट ख़त्म होता चला जाएगा। अब इससे हमें अच्छे से बात क्लियर हो गई है कि जो टॉप पे रहने वाला प्रेडेटर है वो अपने से नीचे की पॉपुलेशन, इकोसिस्टम की पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बॉटम अप कंट्रोल। बॉटम अप कंट्रोल, स्टार्टिंग वाला हमने पढ़ा था टॉप से डाउन तक, मतलब टॉप पे जो टॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने से लोअर पे कंट्रोल करता है, बट यहाँ पे क्या है रिवर्स, यहाँ पे क्या है रिवर्स, बॉटम पे रहने वाला अपने से अप पे, अपने से अप वाले टॉपिक लेवल पर कंट्रोल करेगा। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम फाइटोप्लैंकटन का, प्लांट्स का हमने पहले पढ़ लिया है तो हम फाइटोप्लैंकटन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेती हूँ मैं फाइटोप्लैंकटन, इस पर कौन फीड करता है, जूप्लैंकटन, इस पर कौन फीड करता है, स्मॉल फिश, और इस पर कौन फीड करता है, लार्ज फिश। बॉटम अप कंट्रोल क्या कहना चाह रहा है कि अगर फाइटोप्लैंकटन की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जूप्लैंकटन की पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा फाइटोप्लैंकटन्स होंगे उतने ही ज़्यादा जूप्लैंकटन्स होंगे, जितने ज़्यादा जूप्लैंकटन्स होंगे उतने ही ज़्यादा स्मॉल फिश होगी, बैलेंस, जितनी ज़्यादा स्मॉल फिश होगी उसी अकॉर्डिंग लार्ज फिश होगी। मतलब बॉटम का ट्रॉपिक लेवल अपने से हाइयर ट्रॉपिक लेवल को कंट्रोल करता है, यही इसकी डेफिनेशन में कहा जा रहा है, लोअर ट्रॉपिक लेवल कंट्रोल हाइयर ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट लाइन भी कुछ यही कहना चाह रही है, ऑर्गेनिज्म लोअर इन द फूड वेब विल डिटरमाइन द पॉपुलेशन साइज एट ईच लेवल। यहाँ पे इसकी साइज़ डिटरमाइन करेगी इसकी साइज़ को, ठीक है, इसकी साइज़ डिटरमाइन करेगी स्मॉल फिश की साइज़ को, एंड स्मॉल फिश की साइज़ डिटरमाइन करेगी लार्ज फिश की साइज़ को। साइज से यहाँ पे मतलब है पॉपुलेशन। ठीक है, फाइटोप्लैंकटन जितनी ज़्यादा अमाउंट में होंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन होगी जूप्लैंकटन की, जूप्लैंकटन की जितनी पॉपुलेशन होगी उसी अकॉर्डिंग स्मॉल फिश की होगी और उसी अकॉर्डिंग लार्ज फिश की होगी। ठीक है, क्लियर, ये एग्जांपल क्लियर। नेक्स्ट आता है और अपना लास्ट आता है वास्प वेस्ट कंट्रोल। जो वास्प वेस्ट कंट्रोल है ये टॉप डाउन और बॉटम अप का मिक्सचर है, इसमें आप दोनों तरह के कंट्रोल देखोगे। ठीक है, इसमें अपन दोनों तरह के कंट्रोल देखेंगे, चलिए देखते हैं।
यही फैमिलियर एग्जांपल ही ले लेते हैं फिर से, लार्ज फिश स्मॉल फिश, नेक्स्ट है अपना जू प्लैंकटन एंड अपना फाइटो प्लैंकटन। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, लार्ज फिश किस पे फीड करेगी स्मॉल पे, स्मॉल फिश किस पे फीड करेगी जू प्लैंकटन पे, जू प्लैंकटन किस पे फीड करेंगे, जू प्लैंकटन किस पे फीड करेंगे फाइटो प्लैंकटन पे। ठीक है, इसमें अगर मैं स्मॉल फिश इसकी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट कर दूँ, इसकी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करूँ, इसकी पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट डालूँ, इसे रिमूव कर दूँ, तो क्या होगा? अगर स्मॉल फिश का नंबर कम है, स्मॉल फिश का नंबर कम है, ये साइन समझना, नंबर कम डिक्रीज, तो जू प्लैंकटन क्या करेंगे, मर जाएंगे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। अब अगर जू प्लैंकटन की पॉपुलेशन बढ़ने लग गई तो ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट डालेंगे फाइटोप्लैंकटन की पॉपुलेशन पर। रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमको कि फाइटोप्लैंकटन की पॉपुलेशन कम होने लग गई। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, स्मॉल फिश से फाइटोप्लैंकटन तक हमें कौन सा कंट्रोल दिखाई दे रहा है कि टॉप पे रहने वाला बॉटम के लोअर ट्रॉपिक लेवल पर इफ़ेक्ट डाल रहा है। मतलब टॉप वाला बॉटम पे इफ़ेक्ट डाल रहा है, मतलब टॉप डाउन कंट्रोल दिख रहा है। ठीक है, अब स्मॉल फिश का नंबर अगर कम हो गया है तो इससे फ़र्क पड़ेगा लार्ज फिश पर। अगर स्मॉल फिश कम है तो लार्ज फिश भी अपने आप कम हो जाएगी। भाई जब लार्ज फिश के पास उसका पूड ही नहीं रहेगा तो वो ग्रो कैसे करेगी? ठीक है, तो वो अपनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाएगी, वो फीड किस पे करेगी? ठीक है, तो लार्ज फिश से स्मॉल फिश, ये वाला कंट्रोल हमें कौन सा लग रहा है, बॉटम अप कंट्रोल। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।